हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे आराम, कैसे हो आप सब? तो देखिए गाइस, आज बना रहे हैं गुड़ की मिठाई, बोलो, या फिर हमारे यहाँ पे इनको पत्त बोलते हैं गुड़ के, तो वो बनाएंगे। जैसे लड्डू बनते हैं उसी तरीके से बनते हैं, बस केवल इनमें सिर्फ जो शक्कर का बुरा डालते हैं उसकी जगह गुड़ डलता है, और फिर इनको गोल बनाने की बजाय इनको जमाया जाता है। तो मैं बताती हूँ आपको, और बना के देखना, सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और स्पेशली राजस्थान में तो हमारे यहाँ पे तो ये सर्दी सर्दी ये ही बनेंगी। तो देखना और मैं बताती हूँ आपको, जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये मैंने आटा लिया है, ये किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें आप डालेंगे मून, और ये देखिए यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। जब ये दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे घी, और घी और दूध मिला के फिर उसका इसमें अच्छी तरीके से मून दिया जाता है। तो इसको बढ़िया मिला लेंगे, और फिर इनके जो वो लड्डू बना के, लड्डू जैसे गोल गोल बना के, और फिर इनको ओवन में सेकेंगे। तो देखना, मैं जब तक दूध गर्म होता है जब तक इनको करती हूँ तैयारी, फिर आपको बताती हूँ आगे। तो गाइस देखिए, ये दूध गर्म हो चुका है, और अब इसमें डालेंगे ये घी। तो घी को इसमें मैं इसी तरीके से बिना नाप तोल के मिला देती हूँ, थोड़ा सा घी बस बढ़िया, ताकि मोन अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए घी मिल चुका है, और ये घी और दूध मिक्स हो गया है। अब इनका देंगे इसमें मोन, और इनको मिलाएंगे अच्छी तरीके से मिला के, फिर ये जब अच्छी तरीके से जब बनने लायक हो जाएंगे तो इनके गोल गोल लड्डू बना के और इनको मोन में से कहें। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर इनको मोन को अच्छी तरह मिला के। आप भी इस तरीके से मोन मिला लीजिए इसमें आटे में, और फिर उसके बाद इनको अच्छी तरीके से हाथ से मसल के, और फिर उसके बाद बना लीजिए। तो ये मैंने पहले वाले में बता रखा है आपको, जब मैंने पहले लड्डू बनाए थे बस ये प्रोसेस वैसा ही है। फिर आगे जब थोड़ा अलग प्रोसेस होगा तो मैं दिखाऊंगी, अभी तो मैं मिला लेती हूँ लड्डुओं को। तो देखिए गाइस, ये मैंने दगे बना दिए हैं। हम इनको दगे बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इनको दगे बोलते हैं, जैसे लड्डू की तरह, लेकिन लड्डू थोड़ा टाइट बनता है, इनको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बनाते हैं। और इनका जो मोन है बस वही डालते हैं उसको, इसको बाटी के जैसे आटा नहीं लगाते, थोड़ा सा कम लगाते हैं, और इस तरीके से, और इनको ओवन में सेक लेंगे। जब ये सिक जाएंगे फिर इनके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए गाइस, ये जो दगे हैं ये सिक चुके हैं अब, और अब इनको बस बिल्कुल देख के, और फिर इनको मसलेंगे और इनको फोड़ेंगे। तो करते हैं तैयारी, देखते हैं सिका या नहीं सिका। पहला मैं इसको फोड़ के देखती हूँ, ये मैंने निकाला है, देखते हैं इसको फोड़ के। गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसको, फिर उसके बाद देखेंगे। देखेंगे इसी का इधर देखिए मेरी दाल, ये देखिए मेरी दाल इसमें अच्छी तरीके से तली आ चुकी है, और ये बस थोड़ी सी एक उबाल आने के बाद इसको बंद कर देंगे। तो मेरी दाल भी हो चुकी है, और इधर मेरी दगे भी सीख चुके हैं, बाटी का आटा मैंने लगा लिया है। उसके बाद अब बनाने रहेंगे चावल, तो चावल बनाएंगे। इसको इस तरीके से कर करके और अच्छे तरीके से मसल लेते हैं, और फिर इसमें जो ये बाद में ये इस तरीके जो कड़क कड़क निकलते हैं इनको मिक्सी में पीस के और बढ़िया बारीक कर देते हैं। तो अभी तो पहले देखिएगा, इस बार आ चुका है होल। तो जब भी कोई शुभ त्यौहार वगैरह कुछ भी शुभ छुट्टी होती है, तो उस दिन हमारे यहाँ पे बाहर ये होल बजाने आते हैं अंकल, और फिर इनको गेहूँ रखे जाते हैं। तो अभी मम्मी रखेंगे गेहूँ जल्दी। और इनकी एक पहचान होती है, जब ये सिक जाते हैं तो थोड़ा सा इनका वजन कम हो जाता है, जब ये बनाते हैं तो उस टाइम को ये वजन होते हैं, वजन होता है, और जब ये सिक जाते हैं तो इनका वजन कम हो जाता है। अब जैसे ये वाला सिका सिका लग रहा है, लेकिन ये सिका नहीं है, अभी इसमें वजन है।
इसी दिन आके आ गई थी किचन में, तो अभी मैंने बिंदी वगैरह भी नहीं लगी हुई है। दाल को हिला देती हूँ थोड़ी सी देर, छान लेते हैं इस तरीके से और जी ऊपर मोटे मोटे निकल के फिर इनको मिक्स में मिक्स देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस करती हूँ, आप देखना जब ये बारीक हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए गाइस ये है तिल, तिल्ली सफ़ेद वाली। तो अब इसको अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेंगे एक बार, फिर साफ़ करने के बाद इसको कढ़ाई में हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी इसको भून लेंगे अच्छी खुशबू आने लग जाए जब तक। और भूनने के बाद फिर इसको भी इन कप में डालेंगे। तो मैं अब ये जैसे तो देखिए गाइस ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें इन तीन को अब इनको भूनेंगे, कैसे भून लेंगे जब तक कढ़ाई हल्का सा जब जैसे चटकने लग जाती है तो इसको इनको भूनेंगे। शेक लेते शेकने वाला भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस तिल में इस तरह की आवाज़ आ रही, तो इस तरीके से आवाज़ आने लग जाती है और चटक चटक के निकलने लग जाती है। ये मैंने डाल दी इसमें तिल्ली और ये इसको बारीक कर लिया है। अब इसमें डालेंगे गुड़। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घी डाल के और ये गुड़ को गर्म कर रही हूँ। ये गर्म होने के बाद फिर इसको मिलाएंगे इसमें, तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ और फिर अभी उसमें मिला के बताती हूँ आपको। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरा काम हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। बस ये जो मैंने इसी तरीके से जो लड्डू बनाए थे उनके बारीक चूरा करके उसमें अब गुड़ मिला लिया है, घी मिला लिया है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मिला लिए। तिल भी जो से की थी वो भी मिला ली, इलायची वगैरह ये सब इसमें डाल लिए हैं। अब इस तरीके से हाथों से बढ़िया ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे इनको ताकि अच्छी तरीके से मैश हो जाए, सारी चीज़ें इसमें मिल जाए और फिर उसके बाद इसको जमाएंगे जैसे मिठाई जमाते ना उस तरीके से मिठाई जमाएंगे तो बढ़िया। और इसमें को अच्छी तरीके से कर लेते ताकि इसमें गुड़ की कोई डली वगैरह नहीं रह जाए, इसलिए इसको अच्छी तरीके से करते हैं। और अब ये देखिए मैंने और जो ये परात है इनमें पहले घी लगा लिया था तो उस तरीके से अब थोड़ा सा गाइस देखिए। और ये मैं काम नीचे बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारा था, लड्डू बहुत सारे थे तो खड़े खड़े करते हुए दिन बहुत टाइम हो जाता है तो पैर दर्द करने लग जाते हैं, इसलिए मैं बैठ के और आराम से कर रही थी। और आज मैं सुबह ना के और जल्दी लग गई थी यहाँ पे काम करने, इसलिए कुछ भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, बिंदी वगैरह नहीं लग रही है कानों में खोल, और मेरी आदत है डेली खोल के सोती इसलिए कानों में भी नहीं पहने रखे, तो इसे अवॉइड करिएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाने के बाद काम चल रहा है तो खाने पे ध्यान देते हैं। तो देखिए और इस तरीके से थोड़ा सा इनको प्रेस करेंगे दबा दबा के और फिर उसके बाद में इसके ऊपर जब ये अच्छी तरीके से जम जाए मतलब ये इसको बढ़िया दबा के और बढ़िया कर देंगे प्रेस कर देंगे फिर इसके ऊपर डालेंगे शक्कर का बूरा। तो मैं यहाँ पे इनको प्रेस कर लेती हूँ फिर उसके बाद अभी डालते हैं इस पर शक्कर का बूरा। तो देखिए अभी और गाइस ये यहाँ पर राजस्थान में स्पेशली सर्दियों में अधिकतर हमारा जो हड़ती संभाग है शायद उसमें तो सबके यहाँ ही बनते होंगे
और हमारे यहाँ तो स्पेशली बनते हैं, हमें तो इसका इंतज़ार रहता है सर्दियों में। गर्मियों में भी बनाने वाले बहुत से बनाते हैं, लेकिन गुड़ अच्छा नहीं आता है गर्मियों में और घी भी नहीं जम पाता है, तो ये इसकी मिठाई जम नहीं पाती, इसलिए गर्मियों में बनाते हैं हमारे यहाँ पर लड्डू, और सर्दियों में बनाते हैं हम ये कत। हम इनको कत बोलते हैं, या इसको गुड़ की मिठाई बोलो या कत बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कत बोलते हैं इनको, तो राजस्थान में हमारे यहाँ पर तो कत बोलते हैं। और इस और ये देखिए, जो दिवाली पर मैंने लच्छा बांधा था तो हाथ में टाइट हो गया है, लग रहा है वो ऊपर चढ़ा रखा था, क्योंकि वो जो काम कर रही थी ना उसमें नीचे आ रहा था, इसलिए मैंने ऊपर चढ़ा लिया था उसको, तो वो लग रहा है टाइट टाइट सा। और आप सोच रहे हैं किस तरीके से बैठ के काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा जब बहुत टाइम हो जाता ना काम करते हुए खड़े खड़े, तो फिर पेट दर्द करने लग जाते, इसलिए शांति से बैठ के और आराम से, और इसमें थोड़ा सा जोर भी देना पड़ता है, थोड़ा दबाव देना पड़ता है, इसलिए दबाव के लिए थोड़ा सा अपन भी बैठ के आराम से करते हैं तो और अच्छी तरीके से होता है। बहुत देखिए, ये है शक्कर का बूरा, और ये अधिकतर अक्सर हम क्या करते हैं, मिक्सी में जब ये दगे पीसते हैं ना तो उसके साथ ही शक्कर भी पीस लेते हैं अलग से, लेकिन आज बहुत बड़ा पॉकेट हुआ मेरे साथ, जब मैं इनको पीसने लगी तो लाइट चली गई, इसलिए मुझे ये जो इनके वो जो कड़क पार्ट था ना, तो वो भी मुझे इमाम दस्ते में पीसना पड़ा, जो मूसल होता ना उसमें, और फिर इसलिए मैंने ये शक्कर का बूरा पापा से की और रेडीमेड मंगवा लिया था। तो ये देखिए, और इस तरीके से इनको बढ़िया अच्छे तरीके से पूरी फैला देंगे, इसका एक एक कोट टाइप चढ़ा देते हैं इसके ऊपर बढ़िया, और फिर इसके बाद में इस पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देते हैं इसको भी, ताकि अच्छी तरीके से इसके चिपक जाए। इसमें वैसे तो अंदर घी होता है तो ये चिपक भी जाता है अच्छी तरीके से, लेकिन अभी फिर इसको बढ़िया इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके, और फिर उसके बाद ऊपर से घी डाला जाता है, घी डाल कर फिर इसको किसी भी समतल कटोरी वगैरह से बढ़िया अच्छी तरीके से दबाव देके और उसके ऊपर अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा देते हैं, ताकि ये जम जाते हैं अंदर तक। और इस तरीके से बनाई जाती है हमारे यहाँ पे राजस्थान की मिठाई कत। आप भी बना के देखना, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, कभी आप बना के देखना, और गाइस बहुत अच्छे लगेंगे और गुणकारी भी होते हैं, तो देखना बना के कैसे लगते हैं आपके यहाँ पर। और ये मेरा काम पूरा हो चुका है, और ये जब जम जाएंगे फिर इनको जैसे मिठाई को काटते हैं ना वैसे पीस काट के और फिर निकाल लेंगे, और उसके बाद में फिर सर्व कर देंगे। तो गाइस कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी बताना, और देखिए ना अभी मैं थोड़ा सा इसमें घी गरम करके और घी डालूंगी पहले इसके यहाँ पे कटोरी से। गाइज इस तरीके से मेरी मिठाई बन चुकी है, अब इसको इस तरीके से मिठाई की तरह पीस काट के और सर्व कर देंगे। आपको कैसी लगी बना के ज़रूर देखना, और आज का व्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज़।